Hello students, myself Prashant Singh and today we start class 9, first session of history, French Revolution. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक इवेंट के बारे में डिस्कस किया था. आज हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रांस का समाज कैसा था ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में. ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया कि उस समय जो फ्रांस के शासक थे लुई 16, ठीक है, तो इन 1774 लुई 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेंट द थ्रोन. उस समय जो लुई 16 थे शासक बने, वहां की गद्दी पे आसीन हुए और किस फैमिली से बिलोंग करते थे? बॉर्बन फैमिली से. ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है कि किस डायनेस्टी से लुई 16 बिलोंग करते थे, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय फ्रांस का शासक कौन था लुई 16 और कब वो शासक बना, ये भी पूछा जाता है 1774 में. तो वन मार्क्स के करीब तीन क्वेश्चन आपके बने, एक तो कब वो शासक बना 1774, कौन शासक था लुई 16 और किस फैमिली से वो बिलोंग करता था, ये भी पूछा जाता है बॉर्बन फैमिली से. ठीक है, जब वो शासक बना तो ही वाज 20 इयर्स ओल्ड. कितने साल का था वो? 20 साल का. ठीक है, उसकी शादी हुई मैरी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट. उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई, इसका नाम क्या था? मैरी एंटोनियट था. ठीक है, लेकिन जब वो शासक बना, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नंबर में कि किससे उसकी शादी हुई, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, उसका नाम क्या था? मैरी एंटोनियट. ठीक है, जब वो शासक बना अपॉन हिज एसेशन He found an empty treasury. उसने देखा कि अरे उसकी तो जो राजकोष है पूरा खाली है, उसके कोई पैसा नहीं है उसके पास. तो क्यों ये empty treasury हुई, इसके बारे में हम एक वीडियो में पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कि why the empty was treasury. ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं, हम ये सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वहां का समाज कैसा था. तो द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम. यहाँ का जो समाज था वो स्टेट में बटा हुआ था फेडरल सिस्टम में. फेडरल सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे एंशिएंट टाइम में जैसे इक्ता प्रथा होती थी, या फिर मुगल पीरियड में मनसबदारी प्रथा थी, या फिर राजपूत पीरियड में आपका सामंतवादी प्रथा थी, सामंत होते थे तो उनको क्या किया जाता था, पर्टिकुलर को जमीन दे दी जाती थी. ठीक है, और वो उस जमीन से क्या करते थे, वहां के प्रजा की देखभाल भी करते थे और जरूरत पड़ने पे ट्राइब्यूट भी देते थे, तमाम तरह की फैसिलिटीज भी देते थे और जरूरत पड़ने पे आर्मी के थ्रू सहायता भी करते थे. तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था. यहाँ पे जो ये सिस्टम था फेडरल सिस्टम, उसमें क्या था कि लैंड वाज एक्सचेंज फॉर द वर्क. जमीन दी जाती थी काम करने के लिए प्रेजेंस ऑफ वर्कर्स को, जिनको वहां पे क्या नाम से जाना जाता था, ब्रसेल्स के नाम से जाना जाता था. अब ये जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे ये क्या करते थे, वो पीस ऑफ लैंड को रिसीव करते थे और इसके बदले में उनको सर्विंग देना होता था, सेवा करनी होती थी लैंड लॉर्ड्स के यहाँ या फिर किंग के यहाँ. किसके यहाँ? लॉर्ड जो उनके मालिक होते थे उनके यहाँ, जो उनको जमीन देते थे या फिर जो शासक जो जमीन देता था उसके यहाँ उनको क्या कर देती थी, सर्विस देनी होती थी, सेवा करनी होती थी. ठीक है, तो ये सिस्टम आपका कहलाता था फेडरल सिस्टम. क्या कहलाता था? फेडरल सिस्टम. ठीक है, अब फ्रांस का जो समाज था जो 1789 के पहले का था उसको ओल्ड रिजिम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओल्ड रिजिम. ओल्ड रिजिम इट इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. यानी जब बास्टाइल कोर्ट को जब गिराया गया उसके पहले का जो समाज था, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं? ओल्ड रिजिम. यानी जो रिवोल्यूशन हुआ 1789 का उसके पहले का जो समाज था उसको ओल्ड रिजिम बोला गया. जो लोअर सेक्शन तबका था उसको थर्ड स्टेट के नाम से जानते थे. इसमें
तीन कैटेगरी बनी हुई थी। फर्स्ट कैटेगरी में बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, ये सब फर्स्ट स्टेज आते थे। सेकेंड वाले में एजेंट्स एंड आर्टिशियंस आते थे, और थर्ड स्टेज में जो थर्ड स्टेज में जो तीसरा जो कैटेगरी थी उसमें स्मॉल बिजनेस, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट, ये कैटेगरी आते थे। यानी समाज जो है वो तीन भागों में बटा हुआ था, क्लियरली नॉबिलिटी एंड थर्ड स्टेज। क्लियरली में पादरी आते थे जो चर्च से काम करते थे, नॉबिलिटी में हायर ऑफिसर्स, ऑफिसर रैंक में जो लोग आते थे वो आते थे, और थर्ड स्टेज में पहले वाले ग्रुप में आपके आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर। सेकेंड स्टेज में इसके थर्ड स्टेज में जो आते थे वो एजेंट्स एंड आर्टिशियंस आते थे, और जो तीसरा थर्ड स्टेज में जो कैटेगरी था वो स्मॉल बिजनेस एंड लैंडलेस लेबर और सर्वेंट था। ठीक है, अब यहाँ का जो समाज था वो ये तीन कैटेगरी में ही बटा हुआ था। यहाँ पे मोस्टली प्लीजेंस थे, खेती बाड़ी करने वाले ज्यादा थे, किसान किसान तो ज्यादा था, मेड अप टू 90% ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही नहीं की थी, एंड लेकिन सबके पास जमीन नहीं थी, ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम हैव ओन लैंड, कुछ ही के पास जमीन थी, अपनी जमीन। ज्यादातर जो जमीन थी 60% लैंड कहां किसके पास थी, ओन्ड बाय द नोबल्स एंड चर्च, यानी क्लीयरजीज के पास जमीन थी और नोबिलिटीज के पास जमीन थी। पूरे जमीन का कितना 60% लैंड ओन्ड बाय द नोबल्स, चर्च एंड रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कौन था, ये बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, ये सब क्या थे, ये रिच रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। ठीक है, तो रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट और क्लियरिटीज और नोबिलिटी में 60% लैंड बची हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास था, नोबल और चर्च के पास था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ कैटेगरीज और थी सोसाइटी की, उनको कुछ स्पेशल राइट्स था, उस राइट्स को हम कह सकते हैं प्रिविलेज। ठीक है, तो क्लियरिटीज और नोबिलिटीज ये दोनों के पास इंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से कुछ विशेष अधिकार था, जैसे आजकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सब विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे ब्राह्मण का काम है कि आप पूजा पाठ कराना, है ना, वो एक जन्म पैदा होते ही वो क्या है उसका जन्म से अधिकार है। तो वैसे यहाँ पे भी क्लियरिटीज और नोबिलिटीज को जो इस फैमिली से बिलोंग करता था उसको जन्म से ही अधिकार दिया जाता था, क्या कि वो टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करेगा, टैक्सेस वसूल करेगा, है ना। नोबल थे इंजॉय द प्रिवल प्रिविलेजेस, उनको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, और ये क्या करते थे, ड्यूज जो प्रेजेंस के पास ड्यूज था उसको क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेजेंस, है ना, किसानों से जो ड्यूज होता था उसको क्या करते थे, वसूली करते थे उसके, यानी जैसे अंग्रेजों के जमाने में लगान होता था, लगान वसूल किया जाता था अंग्रेजों से, तो वैसे यहाँ पे भी जो नॉबल्स थे वो क्या करते थे, फ्यूडल ड्यूज को क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, किससे, फ्रॉम प्रेजेंस। पीपल दे आर ऑब्लिग्ड टू रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड, ये जो लोग होते थे किसान लोग तब क्या होते थे, इनको रेंडर सर्विसेज करने के लिए बाध किया जाता था, किसके यहाँ, लॉर्ड्स के यहाँ, एंड टू वर्क इन द हाउस फील्ड, या तो उनके हाउस फील्ड में काम करें वो, या तो सर्विसेज इन आर्मी या फिर आर्मी में काम करें, आर्ट ऑफ पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स या फिर कंस्ट्रक्शन का कोई काम करें, उनको बाध किया जाता था। अब बात करते हैं दो चीजें यहाँ पे सामने आ रही है, एक तो प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस आ रहा है और एक फेडरल ड्यूज आ रहा है। ठीक है, प्रिविलेज क्या होता था, ये एक स्पेशल राइट होता था फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कुछ विशेष अधिकार होते थे जो कि पर्टिकुलर कुछ सोसाइटी को दिए गए थे। सोसाइटी आपने तीन भागों में हमने दिखाया था, एक क्लियरिटी थी, एक नोबिलिटी थी और एक थर्ड स्टेट थी। तो क्लियरिटी और नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में जो रिचर नंबर थे उनको विशेष अधिकार कुछ मिला, थर्ड स्टेट को छोड़ दीजिए, यानी क्लियरिटी और नोबिलिटी को विशेष अधिकार मिला हुआ था। तो यहाँ पे जो विशेष अधिकार मिला हुआ था किसको, स्पेशल राइट फॉर द क्लियरिटी और नोबिलिटी, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, प्रिविलेज बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रिविलेज। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे जो एक और बड़ा था फेडरल ड्यूज का, ड्यूज यानी जो बकाया है, यानी जो वसूली किया जाता था जिसका जो लाइक टैक्स के रूप में होता था, तो ये फेडरल ड्यूज क्या था, ये कंपल्सरी अमाउंट था दैट द लोअर स्टेट पेड टू द हायर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे जो लोअर स्टेट था यानी थर्ड स्टेट, ये पे करता था क्लियरिटीज को और नोबिलिटीज को, है ना, ये क्या करता था, कंपल्सरी अमाउंट होता था, जैसे कुछ हिस्सा होता था टैक्स के रूप में जो पे करना होता था, और ये सिर्फ थर्ड स्टेट वाले पे करते थे, ना कि क्लियरिटीज और नोबिलिटीज। क्लियरिटीज और नोबिलिटीज क्या करते थे, बस उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, उसको वसूली करते थे, है ना।
तो ये जो फ्रीक्वेंट यूज था ये कंपल्सरी अमाउंट था और ये सिर्फ पेड कौन करता था, लोअर स्टेट वाले करते थे, किसको, हायर स्टेट को, और या तो ये जो वसूल किया जाता था या कैश किया जाता था, कलेक्टिंग कैश और स्टाफ फॉर द सर्विसेज, या उनसे काम कराया जाता था, या तो वो कैश के रूप में लिया जाता था, या तो फिर सर्विसेज कराई जाती थी, रेंडर सर्विसेज। रेंडर सर्विसेज में आपने ये पढ़ा है कि उनको लॉर्ड क्या फील्ड में काम करना होता था, या फिर आर्मी में काम करना होता था, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करना होता था, तमाम तरह के उनसे सर्विसेज कराए जाते थे, ठीक है, या तो फिर कैश लिया जाता था उनसे, या तो स्टफ, या फिर कोई मजदूरी वगैरह कराई जाती थी, है ना। किसी तरीके से वो ड्यूज क्या किया जाता था, वसूल किया जाता था, उसको क्या कहते थे, ड्यूज, है ना। अब हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के टैक्सेस होते थे जो कि वसूल किए जाते थे। पहला जो टैक्सेस था वो टाइट, टाइट क्या था, द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस टाइट, जो चर्च वसूल करता था अपना हिस्सा टैक्स के रूप में, उसको टाइट बोलते थे, ये प्रीजेंस से वसूल करता था, और कितना था, 1/10 का था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी किसान जितना प्रोड्यूस करता था उसका 1/10 हिस्सा चर्च टैक्स के रूप में लेता था, उस टैक्स को कहते थे टाइट, क्या कहते थे, टाइट। और दूसरा टैक्स था वो टाइट था, टाइट क्या था, एक तरह का ये डायरेक्ट टैक्स होता था जो कि पेड डायरेक्टली टू स्टेट, जैसे आजकल डायरेक्टली आप पेड करते हो तमाम तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हो, तो उस तरह से टाइट का ना डायरेक्ट टैक्सेस था, और जो कि पे डायरेक्टली टू द स्टेट किया जाता था। और तीसरा जो टैक्स था वो इनडायरेक्ट टैक्स होता था, जो कि इनडायरेक्टली रूप से वसूल किया जाता था, एंड विच वाज लाइक ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन। आजकल भी सरकार क्या करती है, आपके एवरीडे कंजप्शन पे टैक्स वसूल करती है, तमाम तरह के इक्विपमेंट हैं जिसपे कि आपके टैक्स लिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो टैक्स वसूल किया जाता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो वहां पे भी जो फ्रांस का समाज था वहां पे भी ये टैक्स वसूल किया जाता था, दीज आर कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच वर द लाइव ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन, खासतौर पर जो साल्ट था, जो टबैको था, उन सारी चीजों पर टैक्स वसूल किया जाता था, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते थे। तो ये तीन तरह के टैक्स वसूल किए जाते थे, टाइट, टाइट और इनडायरेक्ट टैक्स। टाइट जो था वो चर्च द्वारा वसूल किया जाता था, और ये इसका हिस्सा कितना था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/3, ठीक है। दूसरा जो टैक्स था टाइप, ये डायरेक्ट टैक्स था, एक डायरेक्ट टू स्टेट था, और तीसरा जो टैक्स था वो इनडायरेक्ट टैक्स था, व्हिच वाज लाइक ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक एज सॉल्ट एंड टोबैको। लेकिन ये सारे टैक्सेस ओनली थर्ड स्टेट पेड करता था, क्लियरलीज और मॉनेटरीज से क्या था, इनको पेड करना नहीं होता था, इनको टैक्सेस नहीं देना होता था, इनको कुछ प्रिविलेजेस दिया गया था, कुछ विशेष अधिकार दिया गया था, जिससे क्या कहते थे, एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से उनको अधिकार दिया गया था कि वो टैक्सेस नहीं देंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, टैक्सेस वसूल करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड स्टेट वाले ही थे जो कि टैक्सेस पेड करते थे। इस तरीके से जो समाज था वो बटा हुआ था फ्रांस का, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, उस समय जो शासक थे वो 16 थे, 20 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने असीम प्रिंसेस से शादी की, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो शासक बने तो उन्होंने अपनी ट्रेजरी को रेमेडी पाया, और उस समय का जो समाज था वो तीन तत्वों में बटा हुआ था, फर्स्ट इज द क्लियरिटी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। क्लियरिटी को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, नोबिलिटी को भी कुछ विशेष स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से ही उनको अधिकार मिले हुए थे, और जो थर्ड स्टेट वाले थे वो टैक्स पे ही थे, टैक्स पे करने का काम सिर्फ थर्ड स्टेट का था। उसमें आपके बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट आते थे, कोई ऑफिशियल आते थे फर्स्ट रैंक में, सेकंड रैंक में आपके बिजनेस एंड ऑफिशियल आते थे, और थर्ड रैंक में आपके स्मॉल बिजनेस एंड लैंड ऑफ लेबर्स और सर्वेंट वगैरह आते थे। टोटल जो जमीन थी, खासतौर पर जो पॉपुलेशन थी वो 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ही करती थी, ठीक है। लेकिन किसी के पास अपनी जमीन नहीं थी, सारी जमीन किसके पास थी, मल्ली नोबल के पास थी, चर्च के पास थी, और रिचर्ड नंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के पास थी, ठीक है। इनको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ था, वो कमेटीज और क्लियरिटीज थे, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिला हुआ था, और उस प्रिविलेज का इस्तेमाल करके ये क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे, जो फ्रीक्वेंट ड्यूज था उसको वसूल करके जबरदस्ती काम कराते थे इसको हर हिस्से के लोगों को, ठीक है। और ये टैक्स वसूल करते थे, ये टैक्स क्या था, टाइम था और इनडायरेक्ट टैक्स था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो समाज था थर्ड स्टेट था,
उसको पूरी तरह से दबा दिया गया था और यहाँ पे क्लियर थे जो मेरे ही पावरफुल थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, बाकी हर स्टेट की कोई वैल्यू नहीं थी, वो मतलब टैक्स पे ही थे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रेजरी मीटिंग हुआ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।